नमस्कार दोस्तों, गार्डन एंड हेल्थ जोन में आपका स्वागत है। मैं सुकांत और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ। इस वीडियो में हम दिखाएंगे गुलदाउदी फूलों के संपूर्ण परिचर्या। आजकल शायद ही कोई गार्डन ना हो जहां गुलदाउदी फूल तथा चंद्रमल्लिका फूलों के बिना बेहद सुंदर दिखता होगा। गुलदाउदी के कलर फूल इतने सुंदर और आकर्षक होते हैं कि इन्हें सभी लोग अपने होम गार्डन या टेरिस गार्डन में लगाना पसंद करते हैं। गर्मियों का मौसम में जब अधिकांश फूल खिलना बंद हो जाते हैं, तब ये फूल सर्दियों में हमारा गार्डन में चार चांद लगा देते हैं। अक्सर देखा गया है कि गुलदाउदी के कुछ पौधे में अधिक फूल खिलते हैं, ऐसा पौधे की प्रॉपर केयर ना करने के कारण हो सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों में बड़े फूल पाने के लिए गुलदाउदी के पौधे की देखभाल कैसे करें। गुलदाउदी प्लांट केयर टिप्स के बारे में जानने के लिए वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अच्छे ग्रोथ तथा अधिक फूल पाने के लिए वीडियो के दी गई टिप्स बहुत ही लाभदायक हो सकता है। यह मैंने पिछले साल का पुराना गुलदाउदी फूलों का कटिंग से ग्रो किया था एक प्लांट, वो प्लांट से अभी नया जो पौधा है अभी कटिंग करके मैं बनाएंगे। सबसे पहले पौधा उगाने के लिए यहाँ कुछ ब्रांच मैं कटिंग कर लेता हूँ। ये जो ब्रांच है कटा है, ये पिछले साल का मेरा ये पौधा है, इसमें से अभी नया मैं पौधा तैयार करेंगे। इस पौधे को उगाने के लिए जो मिट्टी मैं यहाँ कलेक्ट किया हूँ वो है गार्डन सॉइल 60% और मैंने यहाँ में 40% लिया हूँ बार्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद और 10% मैं रेत लिया हूँ, जो नदी का रेत होता है वो रेत। सबसे पहले गुलदाउदी फूलों का जो परिचर्या है वो हमारा जो पॉट है उसका ड्रेनेज सिस्टम सही कर लेना है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बराबर नहीं रहेगा तो आगे जाके पौधा जो है उसका जड़ खराब हो जाएगा। पॉट में मिट्टी भरने के बाद यहाँ में मैं थोड़ा सा एलोवेरा जो है वो एलोवेरा जेल लिया हूँ, इसको रूटिंग हार्मोन का हिसाब से इसको मैं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एलोवेरा जेल लगाएगा तो इसमें रूट डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होता है और बहुत फास्ट होता है। अभी मैंने कटिंग किया हुआ जो ब्रांच है उसको पॉट में डाल देता हूँ और डाल देने के बाद इसमें बराबर पानी इसमें डालना है और कभी भी ये जो पानी है सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ड्राई हो जाएगा हमारा पॉट तो जो रूट है वो निकलेगा नहीं। पानी डालने के बाद पॉट को ऐसा जगह में रखना है जहां में दिन में 2 से 3 घंटा धूप आता हो। पौधा जब 4 से 5 इंच हो जाएगा ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको पिंचिंग करके आगे जाके इसमें से ज्यादा फूल हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से नया ब्रांच और निकलेगा। इस कटिंग का उम्र जब 15 से 20 दिन हो जाएगा उसको बड़ा पॉट में ट्रांसफर करना जरूरी है। यहाँ मैंने पॉली बैग ले लिया हूँ जो 4 इंच का है, इसमें ट्रांसफर करेंगे। पौधे का रूट अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है, इसमें मैंने दिखाने के लिए ये जो रूट निकला है क्या नहीं, तो इसके लिए मैं इसको तोड़ा हूँ और आगे जाके आप लोग जब इसको तैयार करेंगे तोड़ने का ज़रूरत नहीं है। और जो सॉइल मीडिया मैं यहाँ यूज़ किया हूँ वो है 60% गार्डन सॉइल और मैंने लिया हूँ 30% भार्मी कंपोस्ट या गोबर का जो खाद है वो ले सकते हैं और 10% जो मैं यहाँ रेत मिलाया हूँ वो गंगा नदी का जो रेत होता है वो है और थोड़ा सा मैंने यहाँ में जो बोन डस्ट है वो मिलाया हूँ 1 चम्मच जैसा।
जब भी कोई गुलदाउदी फूलों का रिपोर्टिंग होता है, रिपोर्टिंग करने के टाइम में डायरेक्ट बोरा पॉट में डालना नहीं चाहिए। पहले 2-4 इंच, उसके बाद 6 इंच, उसके बाद 8 इंच या 10 इंच। मिट्टी भरने के बाद ये पॉट को डायरेक्ट सनलाइट में डाल सकता है, क्योंकि ठंडी का मौसम में टेम्परेचर उतना ज्यादा रहता नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और गार्डनिंग फ्रेंड्स को जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, चैनल में अगर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओके जरूर कीजिएगा आगे के अपडेट पाने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर 10 दिन में पौधे का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको पिंचिंग करना बहुत जरूरी है। गुलदाउदी पौधे की अच्छी तरह से विकसित होने के लिए कम से कम 8 से 12 इंच तक का पॉट उचित होता है। गुलदाउदी के पौधे जब दूसरा पॉट में बड़ा पॉट में ट्रांसफर करेंगे, उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आगे जाके हमारा जो गुलदाउदी के पौधे का जो जड़ है वो खराब हो जाएगा, अपना जो पौधा है वो मर जाएगा। यह मैंने ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने के लिए बिल्डिंग बनाने का जो रेत है वो रेत डाला हूँ, और जो होल है उसको बंद करने के लिए जो पॉट का जो टुकड़ा है उसको मैं डाल दिया हूँ। और मिट्टी डालने का टाइम में हल्का हल्का प्रेस कीजिएगा मिट्टी में जो एयर है उसको निकालने के लिए। पौधे में आगे जाके पानी डालने के लिए 1 इंच का जगह ऊपर वाला पॉट का जो हिस्सा है वो खाली रखना है पानी डालने के लिए। मिट्टी भरने के बाद पॉट का ऊपर वाला जो हिस्सा है पानी डाल के फर्स्ट टाइम जो है इसको भर देना है, क्योंकि इसमें पता चल जाएगा हमारा ड्रेनेज सिस्टम बराबर काम कर रहा है या नहीं। गुलदाउदी पौधे में ओवर वाटरिंग की स्थिति इस पौधे के जड़ सड़ने की वजह बन सकती है। इसके लिए पॉट में मिट्टी सूखी दिखने पर ही पॉट में पानी डालें, और पानी डालने का टाइम ध्यान रख के पानी सिर्फ मिट्टी में डालें, उसको पत्तियों का ऊपर ना डालें। गुलदाउदी एक हैवी फीडर फ्लावर प्लांट है, जिसके लिए अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर का बहुत जरूरी है। 1 चम्मच सरसों का खली और 1 चम्मच 10-26-26 अच्छी तरीके से इसको घोल बना के 3-4 दिन सराने के बाद पौधों में डायरेक्ट डाल देंगे। इसके अतिरिक्त फ्लावरिंग के समय गुलदाउदी के अधिक फूल मिलने के लिए फॉस्फोरस रिच खाद तथा शुरुआती के समय में जड़ों की स्वास्थ्य रखने के लिए पोटेशियम रिच खाद देना बहुत जरूरी है। गुलदाउदी के पौधे फुल सनलाइट में अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। समर सीजन के अलावा हर महीने में आप इन्हें रोजाना 5-6 घंटा सीधे धूप में रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख लेते हैं 35 डेज का अपडेट। पौधे काफी हेल्दी है और बहुत सारा जो पौधे हैं ऑलरेडी कुरी आने लगा है। तो दोस्तों, आप देख लेते हैं कौन सा पेस्टिसाइड यूज करेंगे इस गुलदाउदी पौधे के लिए। यहाँ पेस्टिसाइड के रूप में मैं नीम का जो तेल है नीम तेल ले लिया हूँ, और थोड़ा सा शैम्पू। यहाँ मैं नीम तेल जो है 1 लीटर पानी में 5 ml अच्छी तरीके से मिला के उसके बाद स्प्रे करेंगे, और थोड़ा सा मैंने यहाँ में 1 बूंद जैसा शैम्पू ले लो, कोई भी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी रिजल्ट के लिए इस पेस्टिसाइड को हफ्ते में 1 बार करके इस्तेमाल करना है। किचन वेट से कंपोस्ट बनाने का वीडियो आई बटन में दिया हुआ है, चाहे तो देख सकते हैं। गुलदाउदी जब फ्लावरिंग स्टार्ट होता है उसी टाइम पे नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फास्फोरस बहुत मात्रा में जरूरत पड़ता है प्लांट के लिए। उसी टाइम पे एनपीके 19-19-19 ए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा
फ्लावरिंग के लिए। पौधा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसी टाइम सपोर्ट देने का जरूरत है, नहीं तो फूल का वेट से डाली टूट जाने का संभावना रहता है। गुलदावती फूल का खासियत ये है, एक बार अगर फूल अगर खिल गया तो 25 से 30 दिन तक ऐसे ही खिलता हुआ नजर आएगा। ये जो पौधा है अभी इसका उम्र 55 दिन हो गया है और बहुत सारा जो पौधा है पूरा फूल खिल गया है, कुछ कुछ जो पौधा है अभी तक पूरा खिला नहीं है। हमारा गार्डन में 8 से 10 वैरायटी का गुलदाउदी का पौधा है। तो दोस्तों आज यहाँ तक, फिर मिलेंगे नया कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और बहुत सारा पेड़ पौधा लगाइए। धन्यवाद।